नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करने जा रहा हूं आपका मंथली हॉरोस्कोप 2020 का। इस मंथली फोरकास्ट का कोई लेना देना वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं है। इस मंथली फोरकास्ट का कोई भी रेलेवेंस सन साइन प्रेडिक्शन के साथ नहीं है। इस मंथली प्रेडिक्शन का पूरा बेस भारतीय ज्योतिष शास्त्र है और आपकी चंद्र राशि आपका मून साइन है। आज का जो वीडियो है ये आपको एक तरह से रिमाइंड करवाएगा कि इस मंथली फोरकास्ट में हम डिस्कस क्या करते हैं। मंथली फोरकास्ट में हम बात करते हैं इस पूरे महीने की आपकी हेल्थ कैसी होगी, इस फुल मंथ की आपके एजुकेशनल करियर के हालात क्या होंगे, इस पूरे महीने में आपका इश्क मुश्क रोमांस मैरिज कैसी होगी, इस पूरे मंथ की आपकी करियर जॉब बिजनेस प्रोफेशन कैसा रहेगा, इस पूरे मंथ के अंदर आपका कंक्लूजन क्या होगा। और हर वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर पार्ट को देख भी सकते हैं, उसके लिए हमें टाइम स्टैम्प्स लगा रखी है ताकि उस सब्जेक्ट को आप ध्यान से देख सकें। और मंथली फोरकास्ट आप सभी के लिए है और पूरे मंथली फोरकास्ट को आप इसको एंजॉय तो करें और एंजॉय करने के बाद हमें सब्सक्राइब बनना ना भूलें, हमारे वीडियो को क्लिक देनी लाइक देना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइबर बनेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी हमारे लेटेस्ट वीकली फोरकास्ट के बारे में, मंथली फोरकास्ट के बारे में, जो आने वाले सालों के ईयरली फोरकास्ट हम एडवांस पे बना रहे हैं उनके बारे में, जो चार प्रमुख ट्रांजिट होते हैं उनके बारे में जो हम चैनल पे डालते रहते हैं, शनि की ट्रांजिट, बृहस्पति की ट्रांजिट, राहु केतु की। लेकिन अगर आप इस पूरे मंथली फोरकास्ट का फुल वर्जन देखना चाहते हैं जिसमें इस मंथली फोरकास्ट के साथ फुल वर्जन में आपको मिलेगा सूर्य का गोचर, मंगल का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लेके आएगा मंथ के अंदर, उसका पूरा कंप्लीट ट्रांजिट गोचर का फल, और पूरे मंथ के आपके उपाय क्या हैं, पूरे मंथ का आपकी प्रिकॉशंस क्या हैं, पूरे मंत्र की मंत्र साधना जो आपके लिए दी गई है। अगर ये सब कंप्लीट मंथली फोरकास्ट लेना चाहते हैं तो कृपया आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें prakashastrologer.com और पूरा मंथली फोरकास्ट ग्रहण करें। पाइसेस मंथली कंक्लूजन क्या होगा 2020 जुलाई का। मंथली जुलाई 2020 के अंदर बहुत सारे अपोनेंट्स को, अगर आप आपके बहुत सारे शत्रु हैं उनको आप डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, हायर अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी, बहुत आप कंफर्टेबल में होंगे और शत्रुओं का दमन होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सोच आपकी बहुत एक्सपैंड करेगी, चेंज ऑफ रेजिडेंस आपका हो सकता है और डेरेस्ट प्यारे अपने प्यारों के साथ प्यार मोहब्बत बनाए रखें, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, खासतौर पे अगर आप जॉब बदलना चाहें तो, और कई बार हायर अथॉरिटी से तभी से पेश आना होगा, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको लेते रहना होगा और डोमेस्टिक लाइफ के अंदर हार्मोनी आपको बरकरार रखनी होगी। डिफ़िकल्टीज़ आपको बहुत हो सकती है इस टाइम पीरियड के दौरान, और डिस्प्यूट से बच के रहें, फ्रेंड्स के साथ लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, पेट का ध्यान रखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ डिस्प्यूट ना होने पाए। चेंज ऑफ प्लेस आपकी तभी होगी जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के चलेंगे। चेंज ऑफ प्लेस जल्दबाजी भी ना करें, अर्निंग और वेल्थ के अंदर लॉस हो सकता है और बहुत बड़ी बीमारी से जूझना पड़ेगा। ज़रूरत से ज़्यादा दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा डर लेके ना आए, आप अपने शत्रुओं को डोमिनेट करने में कामयाब होंगे। इन कई बातों पे बड़ी बेचैनी बहुत होगी, पेट का बहुत ध्यान रखें, और इस टाइम पीरियड के दौरान ऐसी कोई प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर हो, फियर हो, एंग्जाइटी हो, उससे बच के रहें, पेट का बहुत ध्यान रखें और सो समय के चलें, पार्टनर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें और एक्सेसिव एक्सपेंडिचर से बचें, स्टेटस फेसिस में फॉल हो सकता है और ये जो टाइम पीरियड है अथॉरिटीज़ आपके साथ चलनी पड़ेगी, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा, प्रोफेशनल एलिवेशन का ध्यान रखना होगा, फिजिकली बड़ी इश्यूज हो सकते हैं, विचार करके चले। जुलाई 2020 का मंथ प्रॉपर्टी में गेन होगा, प्लेयर आपको मिलेगा, रिकवरी आपकी होगी, धन संपदा आपको मिलेगी 2020 जुलाई के अंदर, हेल्थ पहले से अच्छी होगी और ये जो टाइम पीरियड है आर्ट और क्राफ्ट म्यूजिक और डांस के अंदर बहुत आपकी तरक्की होगी,
अगर आपका फील्ड आर्ट और क्राफ्ट और म्यूजिक और डांस है, फाइन आर्ट है, ये टाइम पीरियड बहुत तरक्की देने वाला होगा और घर में खुशी का फंक्शन होगा, धन संपदा आप बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, बनाएंगे भी और लग्जरीज लाइफस्टाइल पे पैसा भी खर्च करेंगे, किसी भी आर्गुमेंट में आप जीत भी जाएंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, धन संपदा आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, नए प्रोजेक्ट आपके बनेंगे, कंटेंटमेंट आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, जो लोग आपको अपोज करते हैं वो हार जाएंगे, आपकी एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा, चेंज ऑफ प्लेस आपकी होगी रेजिडेंस के अंदर, लेकिन वो मर्जी से होगी, ज़बरदस्ती नहीं। ये जो पूरा मंथ है कामयाबियाँ लेके आएगा, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेसफुल आप होंगे, प्लान्स को यूटिलाइज करने में कामयाब होंगे, स्टेटस प्रेशर में आपको राइज मिलेगी, लेकिन कोई भी चेंज आप अपने मजबूरी नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे, और जो लोग आपको विरोध कर रहे हैं उनसे आप निकल आएंगे, इस पर दो राय नहीं। और 2020 के अंदर जुलाई के अंदर सक्सेस आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिल सकती है, और ये जो मंथ जुलाई के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग करके मून सैटर्न राहु केतु पे थोड़ा काम करना होगा, शनि चंद्रमा राहु केतु पे काम करें ताकि प्रोवेंशियल लॉसेज से, प्रोफेशनल लॉसेज से बचा जाए, फाइनेंशियल लॉसेज से बचा जाए, कर्जे ना सर पे चढ़ जाए, रिलेशनशिप और फैमिली हेल्थ के लाइफ के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाए, हेल्थ और हैप्पीनेस ठीक रहे, और टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की मदद से आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को डिसॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़े इश्यूज से आप निकल के आ सकते हैं। पूरी रिपोर्ट आप ले सकते हैं टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग के लिए, और हमारे वेबसाइट prakashastrologer.com पे जाएं और मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप लें, वहाँ पे जाके और हॉरोस्कोप सेक्शन में जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, बहुत डिटेल्ड हॉरोस्कोप की रिपोर्ट होगी, साथ में टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग भी होगी, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। पाइसेस उपाय क्या है? गोल्ड सिल्वर का, सोने और चांदी के दोनों का चौरस टुकड़ा अपने गले में पहने, 8 किलो राइस धर्मशाला लंगर में दान करें, 4 किलो जौ या 4 किलो सूखे नारियल सर को टच करवा के 108 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और 4 वर्णस के लिए डीपेस्ट लेक में गिराएं। सिल्वर के बॉक्स में शहद भर के रखें, ब्रास की गागर में रिवर वाटर भर के और उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट ग्रीन दुपट्टे में रैप करके उसके मुंह में डाल के, मुंह के ऊपर रख के ब्रास की गागर में रिवर वाटर से ब्रास की गागर भर ले, उसके मुंह के ऊपर फ्रेश कोकोनट ग्रीन दुपट्टे में रैप करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। बाल ले, 4 किलो बाल ले, एवरी वेडनेसडे बर्ड्स को फीड करें। पाइसेस प्रिकॉशन क्या है? किसी किस्म के आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर में ना जाएं, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट ना करें, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ना खरीदें, रीवायरिंग पाइप वर्क में ना, घर में इस समय रीवायरिंग ना करें, पाइप वर्क में ऐसा कुछ ना करें। पाइसेस मंत्र साधना जो आपको लेके आनी होगी, ओम करिम करिम करिम, हुम हुम हुम, हरिम हरिम हरिम, दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके दक्षिणे कालिके, हरिम हरिम हरिम, हुम हुम हुम, करिम 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 स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतनी तरक्की आपकी होगी। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है तो आप इंतजार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी,
और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।